Hello students, how are you? I hope you will fine also. This is the English book of class 4th and this is the first chapter of this book. Today's first chapter is Jenny Gets Her Reward. Let's start now this chapter. The students of class 4th B were very excited and could not stop talking. Class 4th बी के जो बच्चे थे यानी स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही एक्साइटेड यानी बहुत ही उत्साहित थे. कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग और बातचीत करना बंद नहीं कर रहे थे. देयर क्लास टीचर मिसेस आशा स्माइल्ड एट देयर एंथुसियाज्म. उस क्लास 4th B की जो क्लास टीचर थी मिसेस आशा वो उन बच्चों की जो उमंग थी उत्साह था उसको देखकर बहुत ही खुश थी. The class was putting up a play for the primary parents evening which was just a month away. क्योंकि इस क्लास के बच्चों ने एक बहुत ही अच्छा प्ले किया था जो कि एक महीने पहले हुआ था उसी के बारे में इस चैप्टर में बात की जा रही है. मिसेस आशा informed the students that they would stage the popular fairy tale Cinderella. इस क्लास की जो क्लास टीचर थी मिसेस आशा उन्होंने सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया कि वह एक पॉपुलर यानी प्रसिद्ध परी जो थी उसका जो प्रसिद्ध परी जो थी सिंड्रेला उसका एक प्ले करवाना चाहती हैं और करवाएंगी जिसके लिए एंड शी हैड ऑलरेडी चूजन द कास्ट जिसके लिए उन्होंने पहले से ही सभी स्टूडेंट्स को यानी कि कास्ट मतलब अभिनयकर्ता यानी कि जो इस प्ले में जो परफॉर्म करेगा उन बच्चों को चुन लिया है. रीमा हु हैड लवली लॉन्ग हेयर रीमा जो कि जिसके बहुत सुंदर लवली लॉन्ग हेयर हैं हु बी वाज बी सिंड्रेला वो किसका रोल करेगी वो सिंड्रेला का रोल करेगी. वेल शीला एंड मैरी वर टू बी द स्टेप सिस्टर शीला और मैरी उसकी सौतेली बहनों का रोल करेंगी. रोशनी अनोदर प्रिटी गर्ल रोशनी है जो वो एक दूसरी लड़की है जो कि बहुत ही सुंदर है. हु वुड बी द फरी गॉड मदर वो फरी यानी कि परी का रोल करेगी. मुकेश हु वाज टॉल एंड स्पोक इक्वेंटली और मुकेश जो है वो एक लंबा सा लड़का है और वो जो भी बोलता है सटीक बोलता है अर्थपूर्ण बात करता है. वाज टू बी द प्रिंस जो कि प्रिंस बनेगा प्रिंस बना था. द किंग द क्वीन द कर्टियस एंड सर्वेंट वर ऑल चूजन राजा रानी दरबारी नौकर सभी का चुनाव यानी कि सभी को सिलेक्ट कर लिया गया था. सम स्टूडेंट्स हैज टू टेक केयर ऑफ द अरेंजमेंट कुछ बच्चों को यानी कुछ स्टूडेंट्स को अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था देखने के लिए रखा गया था. ऑन द स्टेज एंड हेल्प विद द कस्टम्स एंड मेकअप कुछ बच्चों के को जो है स्टेज का अरेंजमेंट रखने के लिए और जो जो भी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी ड्रेस देखने के लिए उनका मेकअप तैयार करने के लिए रखा गया था. द रेस्ट हैज़ टू बी हेल्प टू हेल्प द टीचर एंड कैरी आउट हर इंस्ट्रक्शंस जो कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको टीचर्स की हेल्प के लिए रखा गया था और जो टीचर्स के जो वो इंस्ट्रक्शंस देंगी वो बच्चों को बता सकें. जेनी ए प्रिटी गर्ल जेनी जी जो थी वो बहुत ही सुंदर लड़की थी. वाज वेरी गुड एक्टिंग जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती थी. शी हैड ए लाउड क्लियर वॉइस एंड कुड मेमोरीज एनी पोएम इन मिनट्स जिसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही तेज और बहुत ही क्लियर थी यानी साफ थी और उसकी मेमोरी यानी कि उसकी लर्निंग पावर इतनी अच्छी थी कि वो मिनट्स में ही पोएम यानी कविताएं लर्न कर लेती थी. शी वाज डिसअपॉइंटेड एट नॉट बीइंग चूजन द प्ले द रोल ऑफ सिंड्रेला उसे सिंड्रेला के रोल से निष्कासित कर दिया गया था यानी उसे सिंड्रेला का रोल करने को नहीं दिया गया था. बट वाज सेंसिबल एंड गुड लेकिन वो जो थी वो बहुत समझदार और अच्छी नेचर की लड़की थी अच्छे स्वभाव की थी. मिसेस आशा आस्क्ड हर टू बी द नैरेटर एंड आल्सो प्रॉम्प्ट
हर क्लासमेट इफ दे फॉरगॉट देयर लाइन्स। इसीलिए मिस्टर जो मिसेस आशा थी इनकी क्लास टीचर, उन्होंने जैनी से कहा कि वो अपने जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए रहेगी, और जो भी बच्चे अपना कोई भी लाइन या अपना रोल भूलते हैं तो वो उनकी उसमें सहायता करेगी। जैनी एक्सेप्टेड हर रोल हैप्पली एंड सेट टू वर्क विद ए वेल। जैनी ने मैम ने जो भी कहा था वो जैनी ने स्वीकार कर लिया और अपना कार्य अच्छे से करने लगी। Rehearsals were held regularly and the students were enjoying themselves. अभ्यास जो था वो प्रतिदिन हो रहा था और सभी बच्चे अपने आप में ही बहुत खुश थे। Cinderella looked very pretty and charming. जो लड़की Cinderella का रोल कर रही थी वो बहुत ही सुंदर थी। The evil stepsister did their parts perfectly and the prince who एवरी डेज हार्ड। और जो उसकी सौतेली बहने बनने का जो रोल कर रही थी जो गर्ल्स, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से परफेक्टली कर ली थी, और जो प्रिंस बना था वो प्रतिदिन अपने रोल से लोगों का दिल जीत रहा था। सडनली रीमा फेल सीरियस इल वन डे। अचानक क्या हुआ कि जो रीमा थी जो सिंड्रेला का रोल करने वाली थी वो अचानक बहुत ही बीमार पड़ गई। She was advised to take complete rest by the doctor and thus could not come to school. अचानक जो शीला थी वो बहुत ही बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी कि उसे पूरा रेस्ट यानी कि पूरी तरह से आराम करना होगा, इसलिए वह विद्यालय भी नहीं जा सकी। There were only 2 days left for the program. प्रोग्राम होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। The children's looked at each other in dismay, alas. सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर बहुत ही हताश और उदास हो रहे थे। What a sad end to be all their plans. क्योंकि उन्होंने जो भी प्लानिंग की थी एक अच्छा रोल करने थी उसका एक बुरा यानी कि एक दुखमय अंत हो रहा था उनके प्लान का, यानी उन्होंने जो सोचा था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। दे वुड नॉट बी एबल टू स्टे द प्ले नाउ। और कोई भी इस रोल यानी सिंड्रेला के रोल के योग्य उन्हें नहीं दिख रहा था। मिसेस आशा कम इन टू द हॉल। मिसेस आशा जो उनकी क्लास टीचर थी वो हॉल में आई। वेयर द स्टूडेंट्स हैड असेंबल एंड शो देयर सैड फेसेस। मिसेस आशा जब प्रेयर के टाइम जब असेंबली हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चों के जो फेस हैं वो बहुत यानी चेहरे उदास हो चुके हैं। ही हैज़ ए सॉल्यूशन। उन्होंने कहा मेरे पास एक सॉल्यूशन है यानी कि उपाय है। शी सैड ए लुक्ड एट जैनी एंड लुक्ड एट जैनी। उन्होंने कहा और जैनी की तरफ देखा। जैनी नाउ एज द पार्ट ऑफ सिंड्रेला एंड आई थिंक शी विल बी वेरी गुड एट इट। मैंने सोचा है कि इस रोल के लिए मैं सिंड्रेला को रखूँगी और मैं आशा करती हूँ कि वो यह रोल बहुत ही अच्छे से करेगी, वो इस रोल के लिए परफेक्ट है। डोंट यू एग्री। उन्होंने कहा तुम एग्री, आप सब क्या आप सब एग्री हैं या नहीं है। जैनी ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी विद दिस आइडिया। सभी विद्यार्थी मतलब सभी स्टूडेंट्स जो थे वो मैम के आइडिया से बहुत ही खुश थे। सब ने ये स्वीकार कर लिया कि वो सिंड्रेला के साथ प्ले करेंगे। दे ऑल लाइक द प्लेजेंट। ये उनके लिए सुहावना अवसर था। वो बहुत ही अच्छी भी थी, गुड नेचर की थी और टैलेंटेड एंड टैलेंटेड गर्ल, और बहुत ही समझदार और टैलेंटेड लड़की थी। द द ग्रेट डे अराइव्ड एंड द प्रोग्राम वाज ए सक्सेस। वह महान दिन आया और जो प्रोग्राम होने वाला था वो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सफलता मिली उसकी। ऑल द पेरेंट्स एंड विजिटर्स एंजॉय द शो। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द इवनिंग वाज द प्ले सिंड्रेला।
वहाँ जो भी अभिभावक और जो भी जो आगंतुक थे, जो बाहर से प्ले को देखने के लिए आए थे, वो इस परफॉर्म को यानी प्ले को देखकर बहुत खुश हुए, शो को देखकर। पर सभी को उसमें सबसे अच्छा पार्ट सिंड्रेला का लगा। पुट अप इवनिंग वाज द प्ले ऑफ सिंड्रेला पुट अप बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th B। सभी वहाँ जो जितने भी अभिभावक यानी कि जितने भी पेरेंट्स और आए हुए थे, बाकी के लोग, उन सब पूरे क्लास के लिए सभी ने तालियां बजाई, उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना की। द ऑडियंस कॉल्ड द स्टूडेंट्स अप ऑन द स्टेज एंड गेव देम ए थंडर्स अप्लाउज़। यानी कि वहाँ जो भी ऑडियंस थे, उन सभी ने बच्चों के लिए खड़े हो गए और जोरदार तालियों से उन्हें वाहवाही दी, यानी शाबाशी दी। जेनी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जेनी के माता पिता और उनके दादा दादी, हु हैड कम टू शी द प्रोग्राम, बर प्राउड ऑफ हर। जेनी जो थी, उसके मम्मी पापा और दादा दादी भी वहाँ उस प्रोग्राम को देखने के लिए आए थे, और उस प्रोग्राम को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। वो अपने जो जेनी थी उस पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। एंड शो वाज हर टीचर, इसलिए उनकी जो टीचर थी वो भी बहुत खुश थी। मिसेस आशा भी बहुत खुश थी। व्हाट ए टैलेंटेड गर्ल जेनी वाज, क्योंकि जो जेनी थी वो कितनी टैलेंटेड यानी समझदार और बहुत ही होशियार लड़की थी। इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, और आई होप कि आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से सुना होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें आपकी जो एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। दैट्स ऑल।